कोई जीता नहीं है जग कि वो जीत गए ये हार गए वो जीत गए। जीते रहते अगर विवेक सिंह को मार के वहां पे मुंह हाथ फोड़ दिए रहते आप खुद लेट से आए, वहां आए ही नहीं, वहां 2 घंटा तक विवेक जी रहे हैं। रही बात की मार दें पीट दें काट दें, तो यार आपके पास 50 गो लोग थे ना, 50-100 गो लोग भेजे थे ना, पिटवा देते विवेक सिंह को, क्या लगी है, कहा नहीं पिटवा दिए, कटवा देते विवेक सिंह को, विवेक सिंह तो वहीं थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आप लोग ये सब ऑडियो वायरल करना ये सब नहीं शोभा देता है, ये शोभा नहीं देता है। आप बताते हो कि आप एक्टर हो और आपको ये सब शोभा नहीं देता है, किसी का ऑडियो पीछे से बात करके वायरल करना, 10 आदमी बोलना, भैया सबके आवेला, 10 आदमी भी टोर के 1 आदमी भाभी होखल। दोस्तों झूठ मूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है कि विशाल सिंह के चलते विवेक सिंह वहां से भाग गए, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। विशाल सिंह डर की वजह से वहां पहुंचे ही नहीं बनारस मॉल में, जो कि वो जानते थे वहां जाएंगे तो पिट जाएंगे। वो इस डर की वजह से बहाना बना लिए और वहां गए ही नहीं। और झूठ मूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, जो तुम समय दिया था उस समय पे पहुंचोगे ही नहीं तो क्या उसका क्या मतलब, तुम डर ही न गए। आप ही लोग जरा सोच के देखिए इसमें क्या हुआ, झूठ मूठ का ड्रामा किया जा रहा है सब। हालांकि हम आपको बता दें, विवेक सिंह डरने वाले नहीं है, जो कि खेसारी के टीम में है वो पावरफुल आदमी है और खेसारी भी पावरफुल है, इसके टीम से टकराना कोई आम बात नहीं है। इसका अपडेट आपको हर घंटे हर बार आपको मिलेगा इस BB News 24 YouTube चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये बताइएगा आप लोग कि इस विवेक सिंह के बारे में और विशाल सिंह के बारे में आप लोग क्या बोलते हैं, क्या राय है आप सबका, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।